हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रकाश के बारे में बताने वाला हूँ कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की परिभाषा आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे, प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं और उन्हें आप एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी की सारी बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और लिखवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है प्रकाश। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? प्रकाश। और दोस्तों, आपको इस हेडिंग में पहले लिखना है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना पर प्रभाव डालकर वस्तु दिखाने में सहायता करती है। तो दोस्तों, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारी आंखों की रेटिना पर प्रभाव डालकर वस्तु दिखाने में सहायता करती है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारी आँख है। ये क्या है दोस्तों? हमारी आँख है। अब दोस्तों, प्रकाश इस दिशा से आता है। किस दिशा से आता है? इस दिशा से। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गोल गोल, ये हमारा नेत्र लेंस है। ये क्या है दोस्तों? नेत्र लेंस है। तो जब प्रकाश इस दिशा से आता है तो सीधे इस नेत्र लेंस में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? इस नेत्र लेंस में प्रवेश करता है। और नेत्र लेंस में प्रवेश करने के बाद सीधे रेटिना पर पहुँचता है। और जैसे ही प्रकाश रेटिना पर पहुँचता है तो उस जगह एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी को विकसित करता है जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश पहले इस दिशा से आएगा, हमारे नेत्र लेंस में प्रवेश करेगा। नेत्र लेंस में जैसे ही प्रवेश करेगा, इसके बाद सीधे रेटिना पर पहुंचता है। और रेटिना पर पहुंचते ही एक ऐसी ऊर्जा को विकसित करता है, एक ऐसी एनर्जी को विकसित करता है जो हमें वस्तु दिखाने में सहायता करती है। तो दोस्तों, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारी आंखों की रेटिना पर प्रभाव डालकर वस्तु दिखाने में सहायता करती है। दोस्तों, आपको एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तु दिखाई देती है। दोस्तों, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देगा कभी, परंतु आप प्रकाश की सहायता से वस्तु देख सकते हैं। मतलब प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तु दिखाई देती है। तो आपको एक लाइन छोड़कर ये बात और लिखनी है। तो दोस्तों, आपको एग्जाम में सेम इसी तरीके से परिभाषा लिखनी है जिस तरीके से मैंने यहाँ आपको लिखवाया है, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना पर प्रभाव डालकर वस्तु दिखाने में सहायता करती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तु दिखाई देती है। तो सेम इसी तरीके से आपको प्रकाश की परिभाषा लिखनी है। अब दोस्तों, प्रकाश के अंदर दो प्रकार की वस्तुएं आती हैं। प्रकाश के अंदर कितने प्रकार की वस्तुएं आती हैं? दो प्रकार की। पहली वस्तु आती है प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरी वस्तुएं आती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अब दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? तो दोस्तों, पहले हम प्रदीप्त वस्तुएं के बारे में जान लेते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है प्रदीप्त वस्तुएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? प्रदीप्त वस्तुएं। और आपको इस हेडिंग में लिखना है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, वैद्युत बल्ब आदि। तो दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश होता है। जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें ही हम प्रदीप्त वस्तुएं कहती हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे दोस्तों, सूर्य, सूर्य के अंदर स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। उसे प्रकाशित होने के लिए किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, सूर्य स्वयं ही प्रकाश उत्पन्न करता है। तो सूर्य कैसी वस्तु है? प्रदीप्त वस्तु है। कैसी वस्तु है दोस्तों? प्रदीप्त वस्तु है। और वैद्युत बल्ब, वैद्युत बल्ब को भी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं ही प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। तो वैद्युत बल्ब कैसी वस्तु है? प्रदीप्त वस्तु है। तो दोस्तों, ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश होता है या स्वयं ही अपना प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब बात आती है अप्रदीप्त वस्तुएं कि अप्रदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? अप्रदीप्त वस्तुएं। और आपको इस हेडिंग में लिखना है,
ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चंद्रमा, मेज, बर्तन आदि। तो दोस्तों, अप्रदीप्त वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं जिनके अंदर स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दोस्तों, ऐसी वस्तुएं, फिर से सुन लीजिए, ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन यदि प्रदीप्त वस्तुएं उन पर प्रकाश डालें तो वह दिखाई देने लगती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को ही हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे दोस्तों, इसमें आता है चंद्रमा। चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है। क्यों है? क्योंकि चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा के अंदर स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा किसकी वजह से चमकता है? सूर्य की वजह से। सूर्य चंद्रमा पर अपना प्रकाश डालता है, सूर्य चंद्रमा पर अपना प्रकाश डालता है, जिससे चंद्रमा चमकता है। तो चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, सूर्य की मदद से चंद्रमा चमकता है। तो चंद्रमा किस वस्तु की वजह से चमका? प्रदीप्त वस्तु की वजह से चमका। तो ऐसी वस्तुएं जिनका अंदर स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करती हैं या दिखाई देती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं, उन्हें ही हम दोस्तों अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसमें दोस्तों मेज भी आती है। मेज के अंदर कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन जैसे ही दोस्तों आप उस पर प्रदीप्त वस्तुओं का प्रकाश डालोगे, चाहे वो सूर्य का प्रकाश डालो, चाहे वो टॉर्च का प्रकाश डालो, किसी का भी प्रकाश डालो, तो मेज चमकने लगेगी, चमकने लगेगी ना, दिखाई देने लगेगी। चमकने का मतलब दोस्तों दिखाई देने लगेगी, ठीक है? तो दोस्तों, मेज किसकी वजह से दिखाई दी? प्रदीप्त वस्तुओं की वजह से दिखाई दी। तो ऐसी वस्तुएं जो जिनके अंदर स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाश दिखाई देती हैं या प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, आपको दोनों वस्तुओं के बारे में पता चल गया है कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाश के गुण पर, कि आप एग्जाम में प्रकाश के गुण किस तरीके से लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है प्रकाश के गुण। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? प्रकाश के गुण, ठीक है? और इसमें दोस्तों आपको पहला पॉइंट लिखना है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो दोस्तों देखिए, जो प्रकाश की किरणें होती हैं ना, उनके अंदर विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। मतलब प्रकाश जो होता है, प्रकाश की जो किरणें होती हैं, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलते हैं। किसके रूप में चलते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। अब दोस्तों, आपको प्रकाश के गुण में दूसरा पॉइंट लिखना है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी सहायता से वस्तु दिखाई देती है। दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देगा, लेकिन प्रकाश की सहायता से आपको वस्तु दिखाई देगी। तो ये दोस्तों प्रकाश का दूसरा गुण है कि प्रकाश जो है स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु प्रकाश की सहायता से आप वस्तु को देख सकते हैं या प्रकाश की सहायता से वस्तु दिखाई देती है। दोस्तों, आपको प्रकाश के गुण में आपको तीसरा पॉइंट लिखना है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। इसकी चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों, जो प्रकाश की जो चाल होती है, वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब दोस्तों, प्रकाश जो है एक सेकंड में 3×10⁸ मीटर की दूरी तय कर लेता है, इतनी उसकी चाल होती है, ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों, जो प्रकाश जो है वो निर्वात में चल सकता है, प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है। अब दोस्तों, बहुत से बच्चे निर्वात में ही कन्फ्यूजन हो गए होंगे कि निर्वात होता क्या है। तो दोस्तों, निर्वात उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर कितनी भारी से भारी वस्तु हो और कितनी हल्की से हल्की वस्तु हो, यदि दोनों को एक साथ छोड़ा जाए तो वो दोनों एक साथ जमीन पर गिरे, तो ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं, ठीक है? ऐसे स्थान को क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कितनी भी बड़ी भारी वस्तु और कितनी भी हल्की वस्तु हो, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान हो जाए, ऐसे स्थान को हम क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे, ठीक है दोस्तों? दोस्तों, हमारा प्रकाश के गुण का चौथा पॉइंट है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। तो दोस्तों देखिए, प्रकाश जो है बिल्कुल सीधा चलेगा, सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब ये होता सीधा। प्रकाश की जो किरणें होती बिल्कुल सीधे चलती हैं। प्रकाश की किरणें क्या होती है? बिल्कुल सीधे चलती हैं। तो जब प्रकाश सीधे चलता है तो उसे ही हम कहते हैं सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब है सीधा। सरल का मतलब क्या है? सीधा। तो दोस्तों, प्रकाश कैसे चलता है? सरल रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? सरल रेखा में चलता है। दोस्तों, हमारा प्रकाश के गुण का पांचवा पॉइंट है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 2900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो दोस्तों, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है
वो 2900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये दोस्तों हमारे प्रकाश के गुण का पांचवा पॉइंट है। अब दोस्तों हमारे प्रकाश के गुण का छठा पॉइंट है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच वायु आदि से गुजर जाता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा लकड़ी आदि में नहीं गुजर सकता। तो दोस्तों देखिए, प्रकाश का एक गुण ये होता है कि प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम जैसे कांच वायु आदि से गुजर जाता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा लकड़ी आदि से नहीं गुजर सकता। तो दोस्तों प्रकाश जो है वो पारदर्शी माध्यम से तो आसानी से गुजर जाता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा लकड़ी या मनुष्य, ऐसे जो माध्यम होते हैं इन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजर पाता है। दोस्तों आपने साधारण कांच तो देखा होगा, उसमें प्रकाश आर पार हो जाता है, बिल्कुल वायु में भी प्रकाश आर पार हो जाता है, ठीक है। तो जिन माध्यमों में प्रकाश आर पार हो जाता है उसे को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं, ठीक है। अब अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, दोस्तों आपने लोहे में प्रकाश गुजरते हुए देखा है, यदि आप सूरज के सामने लोहे को रख देंगे तो लोहे के पीछे परछाई बन जाएगी। तो उसका मतलब यह है कि जो प्रकाश है, जिस स्थान तक लोहा वहाँ आपने रखा है और जिस स्थान तक उस लोहे ने प्रकाश की किरणों को रोका है, तो वहाँ उस स्थान तक प्रकाश की जो किरणें हैं वो उस लोहे को पार नहीं कर पा रही है और वहाँ क्या बन जाती है, परछाई बन जाती है, ठीक है। लकड़ी को आप सूर्य के सामने रख दीजिए तो लकड़ी के पीछे देखिए दोस्तों परछाई बन जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि लकड़ी और लोहे में प्रकाश जो है वो आर पार नहीं हो पा रहा है, मतलब गुजर नहीं पा रहा है, प्रकाश की जो किरणें हैं वो लोहे और लकड़ी में गुजर नहीं पा रही है, इस कारण से उनके पीछे परछाई बन गई है। तो दोस्तों ऐसे माध्यम को हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम, जिसमें प्रकाश नहीं गुजर सकता उसे अपारदर्शी माध्यम, और जिसमें प्रकाश गुजर जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। और ये प्रकाश के गुण का छठा पॉइंट है। तो दोस्तों आपको प्रकाश के गुण में यही छह पॉइंट लिखने हैं। तो दोस्तों मैंने आपको प्रकाश की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है ये भी मैंने आपको बता दिया, प्रकाश की वस्तु कितने प्रकार की होती है ये भी मैंने आपको बता दिया, और प्रकाश के गुण आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखने हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों मैंने आपको प्रकाश का जो पूरा टॉपिक है वो समझा दिया है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।